वाइल्ड फ्रूट है और इतना हेल्दी है कि पूछो नहीं भाई। वाह इस टॉप पे रहते हैं वो। थक गया था मैं, सो गया था फिर। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेरा एंड फैमिली ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मैं अभी पहुंचा हूं काफल हिल पे। देखिए यहां पे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, मैं आप पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो पे बने रहिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, प्लीज़ आप लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छा लगेगा आपको, नेचर कल्चर। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में, चलिए बाय। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो अभी देखते हैं, ये देखो काफल हमारे उत्तराखंड की शान है। अभी भरपूर मात्रा में हमारे यहाँ पे काफल होता है सीजन, बट अभी लास्ट काफल है, देखते हैं कितनी मात्रा में। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे खाऊंगा काफल, वो भी देखो पेड़ की टहनी से ही खा रहा हूँ मैं, तोड़ा नहीं मैंने काफल, और पेड़ से ही खाने का अलग ही मज़ा है, और बहुत टेस्टी है दोस्तों, और इतना जूसी है ये फल, खट्टा मीठा फल होता है, बहुत यम्मी यम्मी सा होता है। आइए आप भी खाइएगा, लेट्स एंजॉय काफल। ये देखो यहाँ पर एक टोकरी, ये हमारा ट्रेडिशन कल्चर का है टोकरी, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है, कितना डार्क है। सो डियर फैमिली, ये था डॉग, और अब मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे से ऊपर टॉप में जीरो पॉइंट बोलते हैं वहाँ के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, और वहाँ पे रहते हैं हमारे ताई और ताऊ लोग, ठीक है। जीरो पॉइंट पे रहते हैं, एकदम टॉप पे रहते हैं, बहुत सुंदर है ये रास्ता है, वहाँ को मैं जा रहा हूँ। और जो ये हरे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, बहुत हरे हरे से दोस्तों, ये सारे काफल के पेड़ हैं काफल। और जिस जगह पे मैं आया हूँ वो भी काफल हिल है, देखियो काफल हिल नारायणी नंदी गौशाला केंद्र, और हमारे भाई इनके पास गौशाला भी है ऊपर पर, जीरो पॉइंट पर ही बना है, और वो गाय हैं बद्री, बद्री गाय पालते हैं एकदम, जो यहाँ की लोकल गाय होती है। काफल तो देखिए आप जिस पेड़ में हैं तो एकदम बहुत यम्मी यम्मी से हैं, और काफ़ी मात्रा में है, आप बिल्कुल ज़मीन में बैठ के सो के भी खा सकते हैं, मतलब ऐसा है। काफल अच्छी संख्या में हैं जिस पेड़ में हैं, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए पत्ते एकदम हरे, नई कलियाँ आ रही हैं, तो काफल फल नहीं होता है ऐसे में, कम मात्रा में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और रास्ता देख रहे हैं आप, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। चलो ये बिल्कुल टच हो रहा था तो मैंने एक दाना ले लिया है, और काफ़ी मीठे भी हैं काफल। और ये है देखिए यहाँ पे कॉटेज भी बने हुए हैं, और वन कॉटेज, ये टू कॉटेज, और एक लास्ट में थ्री कॉटेज अभी फ़िलहाल ऊपर जीरो पॉइंट के आसपास बने हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है यहाँ पे, देखिए बोर्ड लगा है, बहुत सुंदर। ये रहा भैया, ये घर है ताई जी और ताऊ जी, ऊपर जीरो पॉइंट पे रहते हैं, बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत ही सुंदर, मतलब क्या बताऊँ मैं, आप आएंगे ना इधर से जाने का मन नहीं करता है, इतना आज गजब का है, बहुत गजब है, बहुत सुंदर। तो मैं भी यहाँ पे आते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मधुमक्खी का बॉक्स भी रखा है, और मधुमक्खी अपना काम कर रही हैं अंदर बाहर, यानी जो भी अपना काम डेली वर्क होता है वो कर रही हैं। तो मैं आ चुका हूँ ताई ताऊ से मिलने, तो देखता हूँ कहाँ पर दिखने रहे। ये रहे भैया ताऊ जी महाराज हमारे, ताऊ जी कुछ काम कर रहे हैं, चलो जाते हैं। अच्छा ये कुछ वॉश कर रहे हैं, तो मैंने पूछा ताऊ जी को कि ताऊ जी क्या चल रहा है, तो ताऊ जी पूछ रहे थे कब आए बेटा तुम इधर, तो मैंने कहा ताऊ से मैं कल आ गया था बोला। तो ये है उनका घर, देखो कितना सुंदर है ना, ताऊ जी का अपना काम डेली वर्क चल रहा है। देखिए कितना मैदान प्लेन सा है, जीरो पॉइंट है एकदम टॉप, और ताई जी का देखो ये मट्ठा बना दी थी। और अब मैं ले चलता हूँ आपको नारायणी गौ सेवा केंद्र पे, देखो आगे दिख रहा है ना, उसका गौशाला का अलग सा घर बना हुआ है ऑलरेडी, तार बाड़ के अंदर कुछ तो है, देखते हैं क्या है। ओ वाओ, ये है इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं लोग, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मज़ा आ गया, बीन्स लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हैं गाय,
देखिए बद्री गाय हैं सब इनके पास ही। देखिए बद्री गाय लगभग 10 से 11 हैं। ये अगर सड़क के किनारे कोई भी मिल गए ना, कहीं किसी ने कुछ भी किया हो, लोग क्या करते हैं कि अपना काम बन गया उसके बाद छोड़ देते हैं उसको ना, दूध देना बंद कर देती है गाय, छोड़ देते हैं। तो ये लोग जहाँ भी दिखते हैं सब उठा के अपने गौशाला में लाते हैं यहाँ पे। तो सब यही वाले गाय हैं जो छोड़े गए लोगों के द्वारा। बहुत सेवा करते हैं ये लोग, धन्य हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये नारायणी नंदी गौ सेवा केंद्र है नाम। तो ऐसा सबने करना चाहिए, वैसे ऐसी गाय को ना गौ माता दूध दिया तब तक यूज़, उसके बाद फिर उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये ताऊजी हैं नहा धो के नाश्ता करके, ये अब इनको सुगाने को ले चल रहे हैं आगे को जंगल की ओर। और बहुत मतलब अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं लोग इनका। तो अब ये तीन तो खोल दिए हैं इन्होंने, लगभग 6 से 7 ले जाएंगे ये। और ये डॉग है ना, ये डॉग बहुत, ये डॉग भी ट्रेंड डॉग है। इसको बोलेंगे तो इसको इनको ले जा तो ले जाता है, इनकी केयर करता है अभी। चलो ये भी खुली। और ये पीछे हमारी भाभी जी हैं, ये भी बहुत मेहनत करती हैं यहाँ पे, सेवा करती हैं गाय भी। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए सब निकल चुके हैं, अब इनको ले जाएंगे सबको 2-3 घंटे के लिए बाहर आउटसाइड चुगने को। और ये है इनका बॉस, ये है हेड बॉस इन सभी का। तो हेड बॉस भी निकल पड़े हैं। और ये इधर अभी देखिए घास नहीं दिख रही होगी आपको, घास दिख रही है कहीं भी, हरी घास बहुत कम मात्रा में है। और बरसात नहीं है तो घास कम है, तो इनको ज़रा दूर जाना पड़ेगा आज, बहुत दूर ले जाएंगे ताऊ जी इनको, वो नीचे साइड ले जाएंगे ताकि वहाँ पर घास हो। हाँ बरसात होगी तभी नया घास उगता है दोस्तों। और ये सारी गायें अभी चलेंगी, और साथ में पता है एक ही ताऊ जी नहीं, क्योंकि ताऊ जी देख रहे हैं आप इज्जत हैं, सयाने हैं, तो ताई और ताऊ दोनों ही जाते हैं, वो दोनों ले जाएंगे। और ये घर कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम टॉप में, और कोई घर नहीं है दोस्तों यहाँ पे, बस मस्त एकदम शांत। ये अपना इनका ऐसे घर पे रहना पसंद है, तो ड्रीम हाउस बना है इनका बिल्कुल, बहुत अच्छा। और लगता भी बड़ा सुंदर है दोस्तों, ये है इतना प्यारा सा मैदान है घर के पास पड़ा ही है ये। अब यहाँ से निकलेंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।